Good morning, everyone, and thank you so much inviting me. And Ranjit ji और शुभ्रा मैम, थैंक यू सो मच. आपके वर्ड्स बहुत ही पावरफुल थे और आपने जो बहुत सारी बातें यहाँ पे एसिड अटैक को लेके बताई वो बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं कि बहुत सारी चीजों को रिलेट करते हुए और एकदम रियल की हाँ जो जो चीजें होती हैं. तो मतलब आई एम हैप्पी कि बहुत सारे लोग इस चीज पे इतने ज्यादा अवेयर हैं और इस चीज पे वर्क कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है. और थैंक यू डॉक्टर नवप्रीत, हम लोग साथ में वर्क करते हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं हम लोग साथ में. बहुत सारी चीजें एवरीडे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सामने क्योंकि लोगों को लगता है कि अटैक जो हुआ है बस वही एक अटैक है, वही एक दर्द है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है. अटैकर एक बार अटैक करके जाता है लेकिन सोसाइटी एवरी मोमेंट अटैक करती है, चाहे वो कानून हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हमारा समाज हो, हर एक तरीके से टॉर्चर करने के लिए रेडी होता है. और सबसे ज्यादा तो समाज, जिसने क्राइम किया वो कहीं ना कहीं विक्टिम बन जाता है और जिसने जिसने क्राइम जिसके ऊपर हुआ वो क्रिमिनल दिखने लग जाता है लोगों को. तो ये सोसाइटी के अंदर बहुत प्रॉब्लम है. और सही मायनों में देखा जाए एसिड हमारे सोच में है, तो हमारी यही कोशिश है कि हम इस सोच से एसिड को निकाल सके. 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और मैं उस टाइम पे 15 इयर्स की थी. और क्योंकि हमारे समाज में मतलब सबसे ज्यादा जो हम लोग केस हैंडल करते हैं वो 18 से नीचे ही होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां जो होती हैं उनको जब प्रपोज किया जाता है, उनको प्रेशर दिया जाता है, तो वो अपने घरों में बोल नहीं पाती है. क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है, पैदा होने से पहले ही कोख से ही उसको बोझ माना जाता है. और जब वो इस दुनिया में आती है तो उसकी एजुकेशन, उसकी इन सब चीजों से ज्यादा, करियर से ज्यादा उसके दहेज पे ध्यान दिया जाता है. और जब एक लड़की के ऊपर अटैक होता है वो बहुत बड़ी बोझ कहलाती है. तो लड़की को बोलने का हक ही नहीं दिया गया है हमारे समाज में. क्योंकि उस वक्त में मैं कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी. जब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो मैंने बहुत सीधा सिंपल जवाब दिया कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ. शायद उनके लिए वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर वो मेरा ड्रीम था. और वो जो लड़का था 32 ईयर्स का था और वो मुझे 2.5 साल से जानता था. और उस अटैक के 10 महीने पहले ही उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसको मैं भाई की नजर से देखती थी. और कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था, सडन उनके माइंड में क्या आया और उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया. और मैं बहुत डर गई, लेकिन मैं अपने घर पे नहीं बता पाई क्योंकि मेरा सपना था, मुझे आगे पढ़ना था, मुझे आगे बढ़ना था. लेकिन उस वक्त में यही हुआ कि अगर मैंने अपने घर पे बता दिया तो घर वाले या तो मेरा स्कूल छुड़वा देंगे, मुझे घर पे बिठा देंगे और मेरी लाइफ सब कुछ खत्म हो जाएगी बाद में. बस एक समय के बाद शादी करा दी, यही मेरी लाइफ रह जाएगी. उसके बाद मैं नहीं बता पाई. देन मेरे घर में मेरे स्कूल के 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी. तब मैंने अपनी फैमिली को कहा कि 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली है और मुझे जॉब करना है. तो उन्होंने कहा कि जॉब नहीं करो, कुछ क्लासेस ले लो, कुछ और कर लो. मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करना है. तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तब मैं दिल्ली खान मार्केट में मैं एक बुक शॉप पे मैंने जॉब ज्वाइन किया. उसके बाद मेरा एक्चुअल में जो मेन मकसद था वो किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करना, सिंगिंग सीखना, किसी रियलिटी शो में जाना. मुझे ऐसा लगता था कि तभी मेरे पेरेंट्स समझ पाएंगे कि मैं हाँ कुछ कर सकती हूँ. उसके बाद मैंने 15 दिन भी नहीं हुए थे और मैं एवरीडे की तरह ही जा रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. लेकिन जब भी मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी या घर से बाहर निकलती थी, तो जिन्होंने क्राइम किया वो मेरे पीछे आते थे, मुझे कमेंट करते थे, मुझे कभी थप्पड़ मार देना, जो उनके मन में आता था वो करते थे.
और कहीं ना कहीं उनके उनका मेरे घर में आना जाना था, तो वो शायद अगर मेरे घर में वो कुछ कहते तो उनकी चलती ना कि मेरी चलती। तब उस वक्त में एक वो डर, एक खौफ था। उसके बाद फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। फिर मैं 22 अप्रैल को एवरीडे की तरह जा रही थी, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले 19 अप्रैल को उनका मेरे पास फोन आया। और उनके घर में एक ही फोन था जो उनकी सिस्टर से मैं बात करती थी, उन्हीं के फोन से। तब उस वक्त में मैंने फोन उठाया, मॉर्निंग का ही टाइम था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो कुछ करना चाहती हो ना, आगे बढ़ना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। देन मैं 22 अप्रैल को मैं जा रही थी एवरीडे की तरह ही। 10:45 का टाइम था, मॉर्निंग टाइम था, स्कूल ऑफिस टाइम था। सो आज यहाँ खान मार्केट में मेट्रो स्टेशन है। उस वक्त में मेट्रो स्टेशन नहीं था, बस स्टैंड था, और काफी क्राउड रहा करता था वहां पे। तो मैं वहां से जा ही रही थी, तो सडन मैंने देखा गोल्फ लिंक्स में रहती थी वो लेडी, उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड और उनके वो लड़का, दोनों बाइक में थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, एक पॉली बैग था, उस पॉली बैग में ग्लास था, बियर की बॉटल थी, उस बियर की बॉटल में एसिड था। और मैं जा ही रही थी और वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा आजकल मतलब लड़के तो देखते ही देखते हैं, आजकल मतलब महिलाएं कैसे घूर घूर के देखने लगी है। तो बस मैं आगे बढ़ी, मैंने रोड क्रॉस किया, मैंने उनको फिर भी देखा। मैंने कहा ठीक है, मन में एक वो होता है कि मन मन में ही बात कर रही थी, सड़क है कोई भी आएगा जाएगा। देन मैं बस थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, सडन वो लोग आए। आने के बाद वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे जमीन पे धक्का मारा, और जो ग्लास में एसिड था वो सीधे मेरे फेस पे डाल दिया। और मैं वहां पे बेहोश हो गई। और मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें सपने में चल रही है। और जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जिंदा आग लगा दिया। और मैं बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी, कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। 3 बार मैं सड़क पे गिरी, मेरा कार एक्सीडेंट भी हुआ, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फिर वही लोग तमाशा देखने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, और उसके बाद मुझे और घेर लिया, और मैं तड़प रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। एक अरुण सिंह अंकल थे जिन्होंने ये सारा हादसा दूर से देखा, वो आए और उनके पास पानी की बॉटल, कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था, 2 लीटर कोक की बॉटल में आधा पानी था। उन्होंने जैसे ही मेरे फेस पे वो पानी से धोया तो वैसे ही वो डाइल्यूट हो गया एसिड में, और वो मेरे गले के पास यहाँ पे आके पूरा जल गया। और उसके बाद PCR बुलाई गई, मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं अपने आप को ऐसा देख रही थी कि मेरे दोनों हाथ ऐसे थे, और जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन को जला देते हैं और वो मेल्ट होती है और स्मेल करती है, ऐसी मेरी स्किन टपक रही थी जमीन पे, चेहरे से, हाथ से, बहुत ज्यादा स्किन टपक रही थी, बहुत स्मेल हो रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, पहुंचने के बाद मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया। वो 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी जब मेरे पेरेंट्स आए और मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई, इतना हार्मफुल एसिड था। और उसके बाद फिर मैं फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी और 2 सर्जरी हुई मेरी। और उसके बाद वहां पे मेरी आंखों को होशो हवास में मेरी आंखों को सिला गया, दोनों को फिर ज्वाइंट करके सिला गया। बहुत ही वो जो 2.5 महीने थे वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत कहीं से स्किन निकाल के फेस पे लगाया, हाथ पे लगाया, बहुत ही पेनफुल था। तो आज जो हमारी फाउंडेशन है वो यही चीज ध्यान देती है कि जब भी कोई एसिड अटैक होता है या हो चुका है, तब हमारी फाउंडेशन वहां पे जाती है और जाके हम यही चीज लोगों को अवेयर करते हैं। पहली चीज, पानी का इस्तेमाल हो ज्यादा से ज्यादा, और जिस पार्ट पे एसिड गिरा है उस पार्ट को झुका के पानी से वॉश किया जाए, ताकि वो एसिड, वो पानी एसिड में डाइल्यूट होके किसी और तरफ बॉडी के पार्ट को वो खराब ना करते। और हम यही लोगों को अवेयर करते हैं, यहाँ तक कि हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हम यही डॉक्टर से बात करते हैं कि
एक सर्जरी बहुत सारी होती है, एक एक सर्वाइवर के 100 100 सर्जरीज होती है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो सर्जरीज है वो कम से कम हो, कम से कम उसकी उन सर्वाइवर की स्किन को निकाला जाए और आंखों पे ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि क्योंकि आंखें ही होती, क्योंकि डायरेक्ट कोई एसिड डालता है तो वो सीधे आंखों पे भी अटैक होता है। तो अभी भी जो हमारे सर्वाइवर है उज्जवल, उनकी एक आंख बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो उस वक्त में लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करे। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि वो रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पैदा करता है मिल्क। तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में लोग अवेयर ही नहीं है, पुलिस को पता ही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जहां पे अटैक होता है वहां पे पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस को पता ही नहीं होता है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट एड में क्या देना चाहिए। और कई हॉस्पिटल्स में भी नहीं पता कि जब भी कोई एसिड अटैक आता है तो उनके साथ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस भी हम करते हैं, और हमारी यही रिक्वेस्ट आप सबसे भी है कि इस अवेयरनेस में आप लोग भी आगे आए, और हॉस्पिटल को, पुलिस स्टेशंस को, हम लोग जितना जागरूक हो सके, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह हम जागरूकता फैला सके कि क्या फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या देना चाहिए। और फिर उसके बाद लाइफ बिल्कुल वहां से चेंज हो गई। मैं वहां से, हॉस्पिटल से जब मैं घर वापस आई, मेरी 2 सर्जरी हो चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि, क्योंकि हम जो फिल्मों में देखते हैं तो हमें लगता है एक सर्जरी हुई और हम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक सर्जरीज होती है, बहुत पेनफुल सर्जरीज होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम बता सके, हम भी काउंसलिंग देते हैं जो हमारे सर्वाइवर्स हैं, हमारे पास कोई प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है, हम खुद ही मिलके काउंसलिंग देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं, और वो लोग अच्छे से बाहर आते हैं सदमे से, और रिहैबिलिटेशन पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं, हम उनके ड्रीम पे फोकस करते हैं। क्योंकि मैंने जो चीजें अपनी जर्नी में देखा है, जो पेन देखा है मैंने अपनी जर्नी में, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो हॉस्पिटल की लड़ाई हो, वो बहुत ही पेनफुल होती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने सर्वाइवर को कम से कम उन सारी चीजों से निकाल सके और वो कम से कम पेन झेल सके, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। वहां से जब मैं आई तो खुद को मैंने शीशे के सामने देखा, लेकिन उस शीशे के सामने देखने से पहले मेरे साथ कुछ एक छोटा सा हादसा हुआ। सोसाइटी के लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए घरों में कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वही बातें उखाड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। तो कुछ आंटियां आई, कुछ लोग आए मिलने के लिए, वो कहते हैं कि हाय, ये तो लड़की है, ये हमारी सोसाइटी के वर्ड्स है, ये क्या हुआ बेचारी के साथ, हाय इतना बुरा हाल कर दिया। सबसे पहला सवाल भी है और उनका जवाब भी है, शादी कैसे होगी इसकी, क्या होगा इसका, हाय बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता, पैर काट दिया होता, हाथ काट दिया होता। पेरेंट्स के लिए सोसाइटी का ये सजेशन है कि आप लोग एक काम करो, लक्ष्मी को इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, ये सोसाइटी है हमारी। क्या है, आपको मैं एक चीज और बताऊं, अभी ऐसी हमारी एक सर्वाइवर थी जिनके ऊपर अटैक हुआ, वो नहीं रही है हमारे बीच में। तो जब मैं वहां गई थी, जब उनकी डेथ हो चुकी थी, जब मैं उनके घर गई, तो वहां पे जो औरतें थी वो उनकी मदर को ये कह रही थी, अच्छा हुआ वो मर गई, देखो इसका चेहरा देखो, ऐसे लेके चलते आप अपनी लड़की को, कौन उससे शादी करता, वो तो बोझ बन जाती जिंदगी में आपकी। अभी भी हम जिस बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनके फादर को गोरखपुर में एक हॉस्पिटल में एक महिला मिली, और उनसे उन्होंने ये कहा कि आज तो आप करवा रहे हो, क्या फायदा है इस बच्चे का जीने का, क्योंकि एसिड अटैक के बाद तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं, सोसाइटी ये बता रही है कि मार डालो, और ये क्राइम हो रहा है होने दो, हम इस पे काम नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसको होने दो, क्यों चुप्पी थामी हुई है।
तब उनके फादर बहुत ही परेशान, और फिर जब ये बात पता चली तो उनसे बात किया गया, बताया गया उन्हें, हमने और सर्वाइवर्स के बारे में दिखाया, बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये धोखा है सारी चीजें। उसके बाद जब वही सोसाइटी के लोग आके ये सजेशन देके जाते हैं पेरेंट्स को, आपका तो एक बेटा भी है, पेरेंट्स को कहते हैं मेरे केस में, और उसके बाद वो चले जाते हैं। और मैं, जब तक मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, आज जो आप मेरा फेस देख रहे हैं ये 7 सर्जरीज के बाद का फेस है। मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मेरी सिर्फ और सिर्फ 7 सर्जरीज हुई, अदरवाइज में सर्वाइवर्स के बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं। तब उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने चुप थे, और मेरा खुद से वो था कि मुझे खुद को देखना है, अब तो मुझे खुद को देखना है, बहुत मुझे अंदर से था कि मुझे खुद को देखना है। जैसे ही मैंने खुद को शीशे के सामने देखा, तब उस वक्त में मैं खुद हिल गई, और मुझे खुद से लगा, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से हूँ, मेरी परवरिश भी वैसी ही दी गई है जैसे सबकी दी गई है, मुझे भी यही बताया गया है कि चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तब उस वक्त में मुझे शीशे को देखे हुआ, मेरे सर में बाल नहीं थे, मुझे 10 टाइम्स गंजा किया गया था, और जब मैं खुद को देख रही थी ना, मेरे सर पे बाल थे, मेरा मेरी आंखें एकदम बाहर निकली हुई थी, मेरी नोज नहीं थी, मेरे लिप्स, और मेरा, आप मेरे 3 ऑपरेशन के बाद का भी सोशल मीडिया में वो फोटो देख सकते हैं, 3 ऑपरेशन के बाद का भी, कि कितना बुरा हाल था इस चेहरे का, पूरे फेस का नक्शा ही बिगड़ गया था। तब उस वक्त में शीशे में देखा और खुद से रियलाइज हुआ कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, मैं सुसाइड कर लेती हूँ। क्योंकि तभी उस वक्त में ये भी रियलाइज हुआ कि लक्ष्मी तुम तो सुसाइड कर लोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन कई सवाल और जवाब अपने साथ ले जाओगे, और कई कई सवाल और जवाब पेरेंट्स के पास भी रह जाएंगे, और लोग यही कहेंगे लड़की थी ना, गलती उसी की थी, तभी तो वो मरी है, तभी तो उसने सुसाइड किया है। जो गलती मैंने अटैक से पहले की अपने पेरेंट्स से बात ना करके, वही गलती आज मैं करूंगी, क्योंकि जो माँ बाप 2.5 महीने ठीक से नहाए नहीं, जिन्होंने खाया नहीं, सिर्फ मुझे बचाने के लिए रहे, आज मैं 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दूं, इस बार मैं उनसे जरूर बात करूंगी। तब मैंने उनसे बात किया और मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि जितना आसान मेरे लिए कहना था, उतना ही मुश्किल उनके लिए सुनना भी था। मैंने कहा कि आप लोग मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। तो मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटा इस दुनिया में ना ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा, और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं अपने आप के लिए कैसे दिखती हूँ, बस मैं अपने पेरेंट्स के लिए कैसी हूँ, जो मेरे आसपास के, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख के जीते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरा वेलकम करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं क्यों। उसके बाद से वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, और 2006 में एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैम आप बता भी रहे थे उसके बारे में, कि लाइसेंस जो कि आज भी खुलेआम ऐसे बिक रहा है, बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है, आज के समय में तो माइक लेके बोला जाता है एसिड के बारे में, गंधक का एसिड डिपने का और नॉर्मल एसिड डिपने का, तो बड़ी बड़ा दुख होता है देख के कि कहाँ है हमारी गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट एवरी डे कानून बनाती है, ऐसे कानून का क्या फायदा जिसका कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं है, क्यों चुप्पी थामी हुई है, और वो कानून हम सबके लिए है, हम क्यों चुप है, हम क्यों नहीं बोलते हैं। उस कानून के आने के बाद 2018 में हम लोगों ने जो कैंपेन शुरू किया स्टॉप सेल एसिड, हमारा मेन एम यही था कि जाके हम लोगों को अवेयर करें। तो हमारी टीम ने खुद जा जाके दुकानदारों से बात किया, उन्हें समझाया, यहाँ तक कि हमें ये भी रियलाइज हुआ कि जब हमें अवार्ड मिल सकता है तो जो दुकानदार ये ऐसे मना कर रहे हैं बेचने के लिए, क्यों ना हम उनको भी सर्टिफिकेट देके उनसे शपथ ले कि हम आज के बाद तेजाब नहीं बेचेंगे। हाँ
एक दुकानदार ने किया तो दूसरे दुकानदार ने भी कहा कि जब उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है और उनको वो शाबाशी मिल रही है तो हमें क्यों नहीं। उसके बाद बहुत सारे लोग अवेयर हुए, बहुत सारे लोगों ने कहा हम एसिड नहीं बेचेंगे। कई सारे लोगों ने ये भी बात कही कि इससे कुछ नहीं होता है, हम हाथ में डाल के आपको दिखा देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, इसको पी के दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि अगर पी लिया तो मर जाएंगे। तो हमने यही कहा कि अगर ये ऐसे 15 रुपए 20 रुपए का घरों में जाता है, बच्चों को नहीं पता चलता कि वो एसिड है या पानी है, और वो उसे पानी समझ के पी लेते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम आज के बाद नहीं बेचेंगे। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिन्होंने वही टॉयलेट क्लीनर एसिड लेके अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट में डाला, किसी की आंखों में डाला, ये उन्हें पता है, उन किसी को पिला दिया, इस तरीके से उस एसिड का इस्तेमाल हुआ है। तभी हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस, इस अवेयरनेस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे भी अवेयर हुए, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए कि हमें भी इस चीज को लेके करना है। तो हम लोगों ने लोगों से यही कहा कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही एरिया के शॉपकीपर से बात करिए और उनको समझाइए कि ना बेचे ये सब, बस बस आप अपने एरिया को ही साफ कर दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब लोगों ने ये काम करना शुरू किया। बाकी आज हम लोग फाउंडेशन को लेके लोगों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उनके रिहैबिलिटेशन पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। जो चीजें, यही हमारी कोशिश है, जब हमारी पूरी टीम, नवप्रीत, हम सब लोग बैठ के बात करते हैं, और कहीं ना कहीं नवप्रीत मैं, हम बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, तो वो मुझे बहुत क्लोज तरीके से मेरे पेन को समझती भी है और वो एक एक चीज को जानती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। कहीं ना कहीं नवप्रीत ने इस केस को लेके बहुत क्लोजली काम किया है, बहुत शुरू, जब तो हम फ्रेंड भी नहीं थे, जब से उन्होंने ये वर्क करना शुरू किया। तो मैं भी नवप्रीत को सल्यूट करती हूँ यहाँ आप सब लोगों के बीच में कि आज वो इतने अच्छे से लोगों के बीच में, मतलब इतने अच्छे से वो वर्क कर रही है और वो साथ में पूरी तरीके से सर्वाइवर को सपोर्ट कर रही है, उनका पेन समझ के। लोग कहते हैं कि मैं सर्वाइवर हूँ तो ज्यादा समझूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा इस दर्द को समझती हैं, उनसे उनसे सहा नहीं जाता है और वो तुरंत से तुरंत एक्शन ले लेती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी टीम में इतने पावरफुल लोग हैं जो एकदम एक्शन लेके एकदम वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवर को भी वो मोटिवेशन मिल रहा है, वो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जब हमारी टीम इतनी प्यारी है और साथ में वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चेंज होंगी तो अपने आप ही अपनी सोसाइटी चेंज नजर आने लग जाएगी। लाइफ में ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एसिड अटैक एक पर्सन पे ही नहीं, उसके पूरे परिवार पे ही होता है कहीं ना कहीं। 2010 में मेरे जो ब्रदर थे उनको टीबी हो गया था, और फिर मेरे ब्रदर और फादर की भी डेथ हो चुकी है और मेरी मदर है। 2009 में मैंने लाइफ का एक सबसे बड़ा चैलेंज अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया, जो मुझे लगता है अब तक का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज यही था कि अपने फेस को ओपन करके इस सोसाइटी के बीच में आना। मैं घूंघट करके चलती थी, फिर उसके बाद मैं हाफ बुरखा पहनने लगी, फिर मैं आईने के सामने आई और मैंने फिर खुद से सवाल किया कि तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो ना। मैंने, क्योंकि मैं स्टिचिंग सीख रही थी, ब्यूटिशन सीख रही थी, तो मुझे खुद बहुत अच्छी लगने लगी थी मैं। तो जब मैं अपना ड्रेस पहन के मैं खुद को देख रही थी, तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो। तब मैंने अपनी मदर और अपनी टीचर से पूछा कि क्या मैं अपना फेस ओपन करके निकल सकती हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें देखनी है कि तुम्हें समाज को, लोगों को फेस करना है। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज। जैसे ही मैं बाहर निकल के आई, और मुझे सबसे ज्यादा मजाक मेरा लड़कियों ने उड़ाया है। देखो, ये देखो सामने से कितनी डरावनी दिखती है, पीछे से कितनी अच्छी दिखती है। लड़के खड़े होते कॉलेज के सामने से, जाती थी वो देख वो देख वो देख क्या है। कई बार रुक के मैंने ये पूछा है कि देखो ये क्या है। तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं लक्ष्मी,
तुम्हारे साथ क्राइम हुआ है, तुमने क्राइम किया नहीं है। जिस सोसाइटी से वो क्रिमिनल है उसी सोसाइटी से आप भी हो, तो जिसको शर्म आ रही है उनको शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी सोसाइटी की मैं वो लड़की हूं और इसी सोसाइटी से वो लड़का है। लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हालत की जाती है। और अटैक के 2.5 महीने बाद ही वो लड़का बेल पे बाहर आया और उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसकी शादी हो गई। मैं हॉस्पिटल्स में सरवाइव कर रही हूं और यहाँ पे वो शादी कर रहा है। उसकी शादी मतलब उनके लिए कितना इजी है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं हमारा कानून बहुत स्लो है। पनिशमेंट में भी मुझे 4 साल इंतजार करना पड़ा। 2006 में PIL डाला था एसिड को बैन करने के लिए। 2013 में उसका रिजल्ट आया। कितने सालों तक इंतजार करना पड़ा। क्यों? और क्रिमिनल तो क्राइम करके चला जाता है। आज जो हमारी सोसाइटी में डर नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा कानून सही नहीं है। पूरी तरीके से फ्रीडम है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल को बहुत ही फ्रीडम दी गई। वो करते हैं, करके चले जाते हैं और 4 दिन के बाद वो छूट जाते हैं। वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बहुत दुखद है कि इस चीज में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, लेकिन उस कोर्ट का क्या फायदा जो आज भी सालों साल केसेस चल रहे हैं। 4 साल के बाद 2009 में उस लड़के को 10 साल की सजा हुई और जो लेडी थी उनको 7 साल की सजा हुई। और जब वो लोग आए कोर्ट में तो वो हस्बैंड वाइफ ऐसे खड़े थे जैसे वो किसी पार्क में आए हो। और वो मुझे इतना घूर घूर के गुस्से में देख रहे थे जैसे क्राइम मैंने उनके ऊपर किया हो। तो कहीं ना कहीं कितना उनके अंदर वो डर ही नहीं है। आज वो बाहर अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय कर रहे। यहाँ मैंने अपने फादर ब्रदर सबको खोया। तो आज जो दर्द मैंने झेला, तो हमारा यही पूरा कोशिश है द लक्ष्मी फाउंडेशन का कि कोई ऐसा दर्द ना झेले, परिवार अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और खूब आगे बढ़े। उज्जवल जो हमारा बच्चा भी 13 ईयर्स का है जिसका हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसका सपना है IAS बनने का। और हमारा भी वो कहीं ना कहीं हमारा भी बन चुका है कि हम उसको एक समय के बाद हम भी उसको IAS बनाए। उसकी एक आंख नहीं, एक आंख है, लेकिन वो उसके अंदर जो हौसला है उस हौसले से हम उसको और हौसला दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। ये मेरी जर्नी थी। अगर मैं और ज्यादा बोलूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। और ये हमारी एक ये मेरी और एक जर्नी थी। और हमारी फाउंडेशन का एम यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सके, लोगों के दिमाग से एसिड को निकाल सके।